आधा किलो चिकन गार्लिक जिंजर और गार्लिक ये दोनों ऐड किए, मिक्स करके इसको एक घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दें। ये जिंजर चिकन जो हमने मैरिनेट होने के लिए रखा था वो मैंने निकाल लिया। एक प्याज है उसको चॉप कर लिया, एक बड़े साइज़ का टमाटर उसको चॉप कर लिया, थोड़ा अदरक जो है वो काट के रख ली और सब्ज़ मिर्ची। इसके अलावा हमें एक कप दही चाहिए होगा। अब सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डालते हैं। कढ़ाई चूल्हे पे रखती है, जब गर्म हो जाए तो आप इसमें ऑयल डालें। साथ ही हमने चिकन डाल दी। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब इस स्टेज से यहाँ पे मैं चिकन को प्लेट में अलग से निकाल लूँगी। ये चिकन को निकाल दी। अब इसी घी में प्याज को डालेंगे। अब इसमें नमक, हल्दी और सूर्ख मिर्च, सूर्ख मिर्च अभी थोड़ी डालेंगे क्योंकि हमने बाद में काली मिर्च भी डालनी है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही अब इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे। अब जब टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और ये ऑयल निकला, अब हम इसमें चिकन डाल देंगे जो हमने प्लेट में निकाला हुआ। थोड़ी देर इसको भूनेंगे। चिकन अब भून गया। अब इसमें मैं एक कप दही का शामिल करूँगी। अब ये भून गया, ऑयल देखिए साइड से निकल आया, तो अब मैं इसमें एक चम्मच काली मिर्च, एक छोटी चम्मच धनिया और आधी चम्मच गरम मसाला डाल के मिक्स कर लूँगी। साथ ही अब जो मैंने काटे हुए अदरक है वो इसमें डालेंगे, थोड़ी सब्ज़ मिर्च डालेंगे। बस ये हमारा जिंजर चिकन तैयार हो गया। अब इसको चूल्हा बंद करके हम इसको दम लगा देंगे।